Can you see I me? can see. Can you see Yes, me? chef. Okay, it's good right now. It's good right now. Yeah. How are you, chef? I'm very fine. Let's start our main topic. Yes, chef. So, hello everyone. Hello, Refrigerate family. So today we are live with Chef Tikaram, and we are going to discuss on the topic pros and cons of hotel management. So, Hello. chef, Yes. Hi. Hello. Greeting to all viewers. Ref today. I am Chef Tikaram Singh, live from Netherlands. With the Ref today, what is the advantage? Our main topic is today. What is the advantage to work hospital industry and how to grow hospitality industry? What is the challenge and struggle? So I am very thankful to Ref today. Entire of the team of the Ref today, especially ma'am Khatiba, I am so feel the glad to you all because you always giving me space in your stage. So I don't have any word to compliments Yeah. to all of entire team Ref today. So I am very glad and thankful to all team. So we start Yes. because you know I'm so sorry about my busy schedule because you many times you asking me if you have time to our interview, but many That's times right, I chef. it's I'm very thankful also. I'm so sorry from me because of my busy schedule. Okay, chef. So for the new audience, I would like to request you to just give your brief description. What? What means what? Just give you a brief introduction about you. Yeah, I already give to my introduction. I'm Chef Tikaram Singh. I'm live from in Netherlands. I am my origin from India. I am from Uttarakhand, Uttarkashi, my district. Right, chef. I working in hospitality industry as a chef. So it's my little introduction. So we continue talk in Okay, chef. Hindi. So Right, chef. I am very comfortable for that. So That's okay, chef. हम हिंदी में कंटिन्यू करते हैं. yeah, because so that is my mother tongue. Whatever you say, because I am not a student of English medium, but I will try always to speak because this is a international language. So राइट हिंदी अपनी में बात बताने का पता होना चाहिए. बस बिल्कुल दैट्स द मेन क्राइटेरिया कि रेफरी की फैमिली को पता होना चाहिए कि क्या हम बात कर रहे हैं. अगर हम इंग्लिश में आएंगे तो वो डीपली वो शब्द नहीं निकलेंगे ना, दिल से जो निकला फिर हम सोचेंगे, फिर ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत सारी चीजें होती है. तो राइट शेफ, राइट. जितने व्यूअर सो है वहां तो सब हिंदुस्तानी है. अगर व्यूअर कहीं बाहर के होते तो इंग्लिश मस्ट थी. यहाँ पे तो सुनने वाले ही इंडियन है तो हम क्यों अंग्रेजी में बात करेंगे. राइट तो शेफ, राइट. सो हियर वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. हाउ वुड यू यस एक्सप्लेन द की एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन द होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री? होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में वर्क करने की क्या बेसिक की एडवांटेजेस रहेंगी? बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किया. जो होटल मैनेजमेंट की जो मेन पर्पजेस है कि हम क्यों होटल ही में काम करें, हमको और चीजें, क्योंकि हॉस्पिटलिटी जो इंडस्ट्री है डे बाय डे दिन प्रतिदिन इतनी ग्रोथ कर रही है कि आप पूछो ही मत. अब हम अगर अब 200 साल पीछे जाएंगे तो तब बोलेंगे हाँ होटल को वैसा हिंदी में एक सराया कहा जाता है जहां पे मुसाफिर या लोग कहीं पे ठहरते थे. पर आज ओके हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री ने इतनी ग्रोथ कर दी है कि आज अगर आपके पास खुद का घर है ना तो बोलते हाँ एक बार मैं 5 स्टार होटल में रुकना चाहता हूँ, हाँ छुट्टी के राइट दिन शेफ, 2 या 3 दिन रुकना चाहता हूँ, कि क्या फीलिंग होती है. तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है दिन प्रतिदिन, मैं कोविड छोड़ के कोरोना काल तो खैर सबके लिए ही काल था, काल बोले तो समय और काल बोले तो एक मृत्यु भी होती है तो राइट शेफ. वो था. बट ये कि जो वो छोड़ के इस तरह तो होटल हॉस्पिटल जो इंडस्ट्री है वो काफी महत्वपूर्ण है इस टाइम पे. और अभी हॉस्पिटल इंडस्ट्री में पहले बहुत पहले के पाक कला
पहले जमाने में कला, पाक राइट, कला बोलते थे, मैं हिंदी में जो सराया, अब उसका नाम होटल का, दिन प्रतिदिन ग्रो किया। आजकल हर कोई रुकना चाहता है, हाँ मैं उस 5 स्टार होटल में जाना चाहता हूँ, मैं मैरियट में राइट, रुकना चाहता हूँ, मैं मैरिडियन में रुकना चाहता हूँ। पर इसका ये है कि अभी इसका कोर्स अभी नहीं, बहुत पहले से है, मैं अभी बोल रहा हूँ सॉरी, पहले से बहुत पहले से है, पर इस दिन प्रतिदिन ये ग्रोथ कर रहे हैं। तो अभी आपको सिर्फ ये कि आपको जैसे होटल मैनेजमेंट करना है, तो आपको सबसे पहले जैसे 12वीं या 10वीं पास होना चाहिए, उसके बाद आप हाँ जी, होटल मैनेजमेंट में अंडर ग्रेजुएट कोर्स करें, फिर अगर आपकी इच्छा है तो BSc इन होटल मैनेजमेंट करें। तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें, आप PhD भी कर सकते हैं, MPhil भी कर सकते हैं, राइट आपके सर। ऊपर डिपेंड है। और उसमें तो ये नहीं क्या कि इसका इतना महत्व आप रहेगा, हाँ मतलब इस इंडस्ट्री में काम करने का इतना क्या महत्व रहेगा? मेन मैं टॉपिक, मेन क्वेश्चन आ, वो है। आ, आ, मैं महत्व तो यही बोल रहा हूँ कि देखो, फूड जो हमारे पास फूड है ना, जो खाना है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जब बच्चा दुनिया में पैदा होता है तो सबसे पहले क्या पूछता है वो, जब रोता है ना तो अन्न को, जब रोता है थोड़ी बोलता है कि आई नीड BMW कार, वो तो राइट बोलता है राइट राइट आई नीड फूड। वो जब मदर फीडिंग मिल्क फीड करती है अपने इस स्तन से, तो वो तो नहीं बोलते बेटा रुक जा, पहले BMW आएगी तब मैं तुमको मिल्क फीड करूंगा। वो जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले फूड खोजता है ना, तो फूड जो जो हमारी नीड है तो वहां से स्टार्ट होती है। फिर बच्चा 2 2.5 साल का होता है, फिर चावल खाना शुरू करता है, ये कर। पर मैं इस इंडस्ट्री में, जो हमारे जो इंडस्ट्री है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, फूड से शुरू हुई है, तो फूड की जो राइट, बात कर रहा हूँ, तो कि फूड इंडस्ट्री में आदमी कभी बेरोजगार नहीं होता। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो इस इंडस्ट्री में PhD कर रहे हैं या MPhil कर रहे हैं या मैनेजमेंट कर रहे, डिग्री कर रहे या नॉर्मल कोर्स करे, नॉर्मल किसी भी ढाबे में है, कोई बात, मैं किसी को राइट, क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, कर तो रहे ना। पर इस इंडस्ट्री में अगर आप आए हो तो आप कभी बेरोजगार नहीं होंगे, मैं यही संदेश देना चाहता राइट सर। सो हूँ। वेरी वेल, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको। मूविंग जी ऑन फ्रॉम द सेम थिंग, लाइक यू सेड कि बहुत कभी भी कोई बेरोजगार नहीं रहेगा इस इंडस्ट्री में, अगर वो इतना अपने आप को ग्रो करता रहेगा विद बिल्कुल टाइम, बिल्कुल, स्किल्स लेता रहेगा। मैं सो बोल रहा उसी हूँ से कि होस्ट रिलेटेड, जी जी उसी से रिलेटेड हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा कि व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस और ड्रॉबैक्स दैट इंडिविजुअल्स में एनकाउंटर वाइल परसुइंग अ करियर इन होटल मैनेजमेंट। जब कोई भी आजकल यंगस्टर्स जा रहे हैं होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में, वो एंटर कर रहे हैं, तो क्या क्या उनको ड्रॉबैक्स, क्या क्या उनको डिफिकल्टीज फेस करने के लिए मिलेंगी, क्या उनके चैलेंजेस होंगे लाइफ के? लाइक यू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस, तो आपके अकॉर्डिंग क्या क्या उनके लिए चैलेंजेस फेस करने के लिए मिलेंगे उनको? आपने सही क्वेश्चन किया कि क्या क्या चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ देख ले दूर से, कि दूर के दो ढोल सुहाने लगते नहीं होते। हाँ बहुत राइट बढ़िया है सर, भाई, बट जब आप उसके अंदर इंटर करोगे तो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो चैलेंजेस है ना, वो दूर से नहीं कि हाँ भाई हाँ उसका रेस्टोरेंट है, वो आई वॉन्ट टू बी ओपन वो गुड रेस्टोरेंट, बट उसको पता नहीं कि वट इज द स्ट्रगल ऑफ इनसाइड, राइट अंडरस्टैंड। ऑल्सो दैट इज डिपेंड ऑन मी ऑल्सो। मैं जब आया था तो ओ यार, जब मैंने क्या टाइप है कि हम मैनेजमेंट करेंगे, ओ या फ्रेंच भी सिखाते, इंग्लिश भी सिखाते। जब अंदर गए तो 200 किलो प्याज 1 घंटे में चिलो भाई, वो बहुत चैलेंज राइट, चैलेंज चैलेंजेस वर्ड। अगर आप रियली स्ट्रगल पीपल हो, अगर आपको रियली कुछ मतलब, एक पेड़ है उसके ऊपर बहुत दूर तक एक एक नारियल है, तो ऐसे थोड़ी दूर से थोड़ी, हाँ भाई उसको पेड़ को चढ़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, फिर नीचे आना। अब वो लूमड़ी वाली कहानी तो रहे नहीं कि अंगूर तो पकड़े नहीं हाँ जी, तो बाद में बोलते अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि उस अंगूर तक तो राइट राइट, पहुंचा नहीं। वेरी सॉरी वेल मैं सेड, बंदर वाली कहानी, मैं लूमड़ी बोला सॉरी। तो अंगूर अंगूर तक तो पहुंच नहीं पाए, हाँ और फिर बोलते अंगूर खट्टे, क्योंकि अपना जो आपका जो लक्ष्य है उस तक आप जब पहुंच ही नहीं पाओगे तो किसी चीज को दोष देना अच्छा नहीं है। मैं खुद भी राइट, अच्छा नहीं मानता हूँ इस चीज को। वही मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारा जो आपने बोला कि व्हेन यू कम इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आपने किन किन चैलेंजों का सामना करना पड़ा, किन किया किन है। परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, तो मैं मानता हूँ कि क्योंकि आजकल हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो बहुत सारे लोग हैं ना, वो क्या बोलते, मेरे मैं खुद की बात करूं कि वो क्या बोलते,
हाँ जी हाँ, मैं मेरे को 6 में 7 महीने हुए, 1.5 2 साल ये कुछ भी। मैं अभी मैं कैसे शू शेफ बनूंगा, मैं कैसे सीढ़ी पे, मैं बोला भाई अगर आप प्रोसेस वाइज आओगे ना, 6 महीने में और साल में कोई शेफ नहीं बनता, इसमें बरसों की मेहनत लग जाती है। अब जैसे हमारा चंद्रयान 3 अभी वो लॉन्च हुआ था, तो उसकी मेहनत जब 2019 में फेल हुआ, तो 3 4 साल लगे, वो भी तो उससे पहले वो मेहनत कर रहे थे भाई। कोई भी चीज सरल नहीं होता, अलग अलग फील्ड में अलग लोगों का अलग अलग ज्ञान है, तो इसमें हम किसी को ये नहीं बोलते कि आप 5 मिनट में अचीव कर, तो उसके लिए बहुत बेहद बहुत मेहनत है और तपस्या करनी पड़ती है। तो ऐसा किसी को भी नहीं बोलना कि तो आप काफी ज्यादा इजीली आपको इजीली इजीली कुछ भी नहीं होता। इजीली तो ये कि जब खाना बना के खाना थाली में आता, तो जब चलो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने, तो निवाला जो, तो खुद तो हाथ से उठाना पड़ता। ये इंडस्ट्री भी ऐसी है, इसमें बहुत कुछ है भी, आप बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। अगर आप कामयाब, अगर आपके अंदर लगन और मेहनत है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसमें ये है तो कि फिर टाइम उसमें जो आपको मैंने मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप कोई भी है जो उसमें ग्रोथ रेट अचीव कर सकता है। जी, बिल्कुल। यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सीनियर्स की सुननी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। और अगर आप कामयाब हो गए, तो आपको तो इसमें ये फायदा है कि आपको विदेशों में घूमने का भी मौका मिल सकता है, काम करने, और इंटरनेशनल जो ये है अनुभव को प्राप्त करने का अभी अवसर शेफ मिल सकता है। चैलेंजेस की बात कर रहे थे, हाँ जैसे आपने बताया कि दूर से तो देखने में वो चीजें अच्छी लगती हैं, जी बट जी जी जब वर्क करना पड़ता है तो डे नाइट काम करना पड़ेगा, शिफ्ट्स होंगी अलग अलग, उसके लिए बिल्कुल, सू मैं शेफ बोल बनना है रहा तो उसके लिए काफी लेवल पे स्ट्रगल के हूँ जी, लिए बिल्कुल जाना पड़ेगा, तभी वो जी, अचीव कर बिल्कुल पाएंगे। मैं खुद की बात करूँ, मेरे को तो इस इंडस्ट्री में 15 साल हो गए, तो मैं थोड़ी डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। हमने भी तो शिफ्ट स्ट्रगल किया होगा, कितने लोगों की सुनी होगी, हाँ जी सर, हाँ आप ही सही। पर अभी अगर हम आपको हमें हमको कोई बोले कि हाँ यू आर नॉट गुड, पर हम बोले मेरी ये 15 साल की जो मेहनत है उसका क्या, मैं तो सीधे बोलूंगा राइट मेरे जो 15 साल की उसका क्या, अगर आप मेरे को मतलब कोई बोलेगा। बट देखिए, अभी ईश्वर की कृपा से हम अच्छी पोजिशन में है, और हमने काफी स्ट्रगल भी किया है। अब वही तो जो भगवान ने गीता में बोला कि कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम तो कर रहे हैं ना, हम थोड़ी बोलेंगे कि हाँ भाई जब मैं काम करूंगा तभी फल मिलेगा। फल की इच्छा तब तक मत करो, पहले पहले कर्म कर्म करो किया। आप। कर्म कर्म करना ही जरूरी है इस ह्यूमन लाइफ में, तो कर्म करना जरूरी है। तो जब कर्म करोगे तभी तो फल फल मिलेगा। कर्म ही नहीं करोगे तो अगर आदमी आलस्य है किसी के अंदर, तो सोचने के लिए भी तो एक शक्ति चाहिए। सोचने के टाइम पे आदमी आलस्य कर लेता, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। वेरी वेल तो एक्सप्लेन, हाँ एकदम ब्रीफली आपने बहुत अच्छे जी से एक्सप्लेन किया कि कितने इंडिविजुअल्स को कितना डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकती है, लेकिन विद दैट ऑल्सो अपनी मेहनत करेंगे तो इवेंचुअली आप सक्सेस अचीव करेंगे करेंगे, जितने भी जी बिल्कुल लेवल्स हैं बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छे लेवल पे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा उस टाइम पे, अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं आपके अपने लाइफ में, तो आप को कोई भी नहीं रोक पाएगा उस टाइम पे। तो ये है कि ये तो हम लिख के देंगे। अब अगर आप किसी इंडस्ट्री को 5 दिन दे रहे, 10 दिन दे रहे, 6 महीने ही दे रहे, हाँ कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, पर आप इंसान भटकता ही जाएगा। क्यों, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ। मैं सारे बहुत सबको बोलते 2 महीने ये काम किया, 3 महीने ये काम किया, 6 महीने ये काम किया, 1 साल ये काम किया, वो करते करते अपना मतलब बदलता रहता है, पर उसको सफलता प्राप्त नहीं होता। अगर आपको सफलता प्राप्त करना है, तो एक चीज में लगे रहो, तो सफलता आपके कदमों को चूमेगी। क्यों, आपको फोकस उसी चीज पे हो। मैं अपनी बात करूं, मैं अपने को बहुत बड़ा नहीं दर्शाना चाहता हूँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे को अभी इस इंडस्ट्री में 15 16 साल हो गए, मेरे को अगर कोई बोलो कि आप अपनी इंडस्ट्री से कुछ और दूसरा काम करो, मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने किया भी नहीं कभी, और ना मैं कर सकता लव डूइंग दैट वर्क, हूँ। आपका पैशन है वो हाँ चीजों को हाँ हाँ एक्सप्लोर करने का, आपने इतना टाइम दिया है, सो जी बिल्कुल। शुरू शुरू में थोड़ा डिफिकल्टी आई बहुत ज्यादा, कभी कभी सोचा कि अरे ये छोड़ के चला हूँ, मेरे को पसंद, क्योंकि ये शुरू शुरू में मैं अपनी सच्चाई बात करूँ कि मेरा पैशन नहीं था, वो मजबूरी लाती इंसान को, या सम काइंड्स ऑफ कंडीशन डिफिकल्टीज, ऑफ द मनी कंडीशन, है ना, नहीं होता आर्थिक स्थिति,
That is also a इकोनॉमिक challenge in the industry only, that curve challenge you इकोनॉमिक are facing. प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और बहुत सारी चीजें होती, पर जब आदमी उसमें ढल जाता है तो चलो यार मैंने इसी में करना, तो उसमें आदमी आगे ग्रोथ करते हैं। तो चलो राइट वो राइट एक्सीडेंटली है जो भी है, बट ये कि आई एम वेरी हैप्पी इन माई जॉब राइट नाउ। तो That is a big thing. आई वॉन्ट टू एडवाइस एवरीबडी, इफ यू वॉन्ट टू कम इन हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री यू आर फ्री टू कम, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी थिंग यू कैन कॉल मी ऑल्सो, यू एडवाइस एनी थिंग एल्स। सो Right. हाँ जी So, chef, after this, let's move on to our third question, which जी is, जी in your opinion, what are some potential trends or changes in the hotel management industry that यस मैम, ये can कि professional should be that profession should be know about it, and how might these impact on overall pros and cons of the industry? कि जो भी यस ये यस या changes मैं आते समझ, रहते, because बहुत frequent industry है, बहुत सिचुएशनल चेंजेस होते रहते हैं, बहुत सारे ट्रेंड्स होते रहते हैं, तो इनके साथ कैसे होटल मैनेजमेंट में प्रोफेशनल्स को पता चले कैसे वो बिहेव करें, जिसका कहीं चलिए ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ प्रोज बन जाते हैं, कुछ कॉन्स निकल के आते हैं. हाँ मैं समझ गया कि क्योंकि देखो दिन प्रतिदिन जो जमाना है वो बदल रहा है, और राइट प्लस चेफ, हमारी प्रकृति बदलती, क्या बोलते हैं, द चेंज इज नेचर ऑफ द लाइफ। राइट, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट. हाँ, और प्लस अब जब ऋतुएं जो बदलती है तो हमारी तबीयत भी खराब हो यार क्यों, तब हम बोलते हैं हाँ द चेंज इज नेचर ऑफ द लाइफ। राइट चेफ, तो ये है कि अब आपको पता है पहले पहले अगर हम इफ वी गो बैक ऑफ 100 ईयर्स एंड 200 ईयर्स गो, मींस यू नो आई वांट टू, मैं थोड़ा एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपके आजकल की। मैं क्या हूँ, मैं जब खाना खाता हूँ मैं कभी स्पून का यूज नहीं करता सच में, ओके, रीजन ये बिहाइंड इट. मेरे आई ऑलवेज ईट विद माई हैंड बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैं कभी ओके, भी सेटिस्फाइड नहीं होता चम्मच से, हम शेफ है कुछ भी, हम 5 स्टार में नहीं, बट आई नेवर सेटिस्फाइड फॉर दिस। तो एक दिन में बहुत बार में खाना खा रहा हूँ, सम टाइम्स यूरोपियंस में अभी इधर बोलते ओ यू आर, वो क्या बोलते, वो इसलिए बोलते व्हाई यू ईटिंग विद योर हैंड, वो क्या बोलते ओके, ओ वेरी नाइस। मैं उनको फिर बोलता हूँ इफ यू गो बैक ऑफ 300 एंड 400 एयर्स बैक, तो उस टाइम पे चम्मच का भी आविष्कार नहीं हुआ था। राइट राइट, तो बोलते नो पीपल नो नो यूज्ड टू आई ईट एम बाय देयर हैंड्स. मैं भले वो दोस्त है, मैं बोला मैं सेटिस्फाइड अपने हाथ से होता हूँ, अदरवाइज मेरे को किसी की परवाह नहीं तुम क्या देख रहे हो, मैं हमेशा। तो मैं बोलता हूँ जो धीरे धीरे जो बदलाव आता है ना, अभी आपने बोल कि दिन प्रति, वही मैं अभी बदलाव की जो बात हुई कि जो नेचर राइट है, पर मैं उसमें पर एक ही समय समय के अनुसार आदमी को बदलाव भी लाना चाहिए। अब ये नहीं कि नए साहब वहां 200 300 साल पहले चम्मच से नहीं खाते, मैं हाथ से खाऊं, पर जो आप ये इसके अंदर बैठे हुए हैं समाज के अंदर, तो उसमें थोड़ा चेंजेस लाना पड़ता है। तो लाइक आपने बोला होटल इंडस्ट्री में क्या बदलाव लाना चाहिए, इट्स गुड क्या चीजें उसकी चेंजेस, नहीं बदलाव लाने नहीं चाहिए शेफ, ना, जो क्या बदलाव आ ट्रेंड्स चुके चल हैं। रहे हैं, जो हाँ आ चुके हैं, हाँ जो नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, उसके उसमें हिसाब आप से जो लोगों का सेटिस्फाइड है कि नहीं। चेंजेस आते हैं, हाँ, जो लोगों के लाइफ तो में उस चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग. जी बिल्कुल, मैं आप उसमें सहमत हूँ। मैंने दूसरी स्टोरी सुनाई उसमें, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट उसके जी शेफ, लिए ये कि अभी देखो जैसा आजकल मशीनें वर्क कर रही है ना, अब पहले गूगल था तो अभी क्या है, एआई है, अभी राइट एआई काम कर रहा है। हाँ भाई मेरे को कुछ कंटेंट लिखना, चैट जीपीटी जिंदाबाद। राइट, एंड देयर रोबोट्स हाँ आल्सो वर्किंग, सो दे मेनी आर. थिंग्स, वो तो मेन से अगर आपको इंटरनेट में कुछ कंटेंट लिखना है तो हाँ चैट जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जो मतलब ये एक एक जमीनी स्तर का कार्य होता है वो खुद करना पड़ता है, और एक होता राइट है इंटरनेट वाला कार्य, वो जो जैसे वर्क फ्रॉम होम करते हैं जो मतलब नेट से चलते हैं, तो फिर एआई से होते। आजकल एआई रोबोट हो गई, तो बहुत सारे पहले लोग ये करते थे, टमाटर खुद काटते थे, बहुत सारी चीजें खुद करते थे, वो करते थे, पहले ब्लेंडर नहीं थे, बहुत सारी राइट चीजें खुद करते थे। आज देखो आजकल मसालों में या कुछ ग्रेवीज में प्री मिक्स बना हुआ है, पतीले में डालो ग्रेवी बन गई साहब एवरीथिंग इज फट। रेडी, हाँ
उन लोगों से पूछो जो जिसने 50 साल पहले 60 साल पहले हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में काम किया है, तो उन लोगों से पूछो कि कितना हार्ड इट्स था नॉट पहले काम करना। इजी, राइट? इट्स नॉट इजी, बट अभी बहुत सर एवरीथिंग इज इजी राइट नाउ, बट राइट, एवरीथिंग इज इंस्टेंटली अवेलेबल, सो जो एक्सपीरियंस है वो मिसिंग है और कहीं ना कहीं. बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया कि चेंजेस तो है, बट चेंजेस लाने के लिए मतलब जो चीज लोग सोचते कि अरे अभी ऐसा हो गया तो ऐसा क्या हो, क्योंकि समय के हिसाब से आदमी समय के हिसाब से टाइम से चेंज ढलता होना है, चाहिए, चेंज राइट? होता है और चेंज डालता है। और अब हम नोकिया के जैसे थोड़ी बोलेंगे हम नए पुरानी चीजें पुरानी में रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। राइट, जो समय जो बदलता है तो समय के हिसाब से हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री भी बदल गई है। अभी जहाँ पे आप 50 स्टाफ से काम करते थे वो अभी आप 10 लोगों से भी काम कर सकते हैं। तो इस इंडस्ट्री में मैं ये सब बोलता हूँ इन द फ्यूचर जो है इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा है। अगर कोई न्यू कमर्स जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं तो आ सकते हैं और अपना ये जो सीखना जो मैंने पहले भी बोला था सेकंड क्वेश्चन में कि ऐसा नहीं कि आप आओ चश्मा लगा के हाँ भाई दूर से दिख रहा अच्छा है, बट इसमें बहुत सारा योगदान देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा तब आप आ सकते हो। अदरवाइज ये कि इसमें स्ट्रगल, क्योंकि मैं एक बात बोल रहा हूँ कि हॉस्पिटल हाँ इंडस्ट्री जो जी, हमारी जो होटल इंडस्ट्री जो आपने बहुत स्ट्रगल की जो बात की थी उसमें राइट सर, नहीं बोल पाए। अभी जैसे हमारे जैसे फेस्टिवल पीरियड आते हैं दिवाली आती है होली आती तो उसमें हमारा ज्यादा काम बढ़ जाता है, तो उसमें हमको छुट्टी भी नहीं राइट, मिलती। और जहाँ पे पब्लिक हॉलीडे की बात आती है जैसे हाँ संडे है तो अदर मतलब हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री छोड़ के हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें थोड़ा ये कि अरे बहुत काम है संडे मंडे अरे सैटरडे संडे बहुत काम है, बट राइट दूसरे में राइट, हम क्या सोचते हैं अदर जॉब है 9 to 5 वाली जॉब है वो बोलते हैं हाँ कल छुट्टी है मजे मारेंगे, इन होटल डिफरेंट टाइम। मैनेजमेंट हाँ इंडस्ट्री में वो काफी डिफिकल्ट होता है. बहुत कस्टमर और सेटिस्फेक्शन इज जी जी इम्पोर्टेंट, कस्टमर जी को एक बिल्कुल वो नया तो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, वेदर बिल्कुल इट इज बिल्कुल रिलेटेड वो टू फूड और एनी अदर थिंग्स. जी 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 बिल्कुल। मैं आने वाले जो पीढ़ियां हैं हु वांट टू डू होटल मैनेजमेंट एंड हु वांट टू बी अ गुड शेफ उनको मैं यही चेतावनी दे रहा हूँ अगर आपको आना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी और हर राइट, फील्ड में आपको मेहनत करनी पड़ेगी हर फील्ड में। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसी फील्ड को आप चुनो, हर फील्ड में आपको मेहनत करने पर काम तो हर जगह है, अगर आपको करियर बनाना किसी फील्ड हर जगह काम करना ही पड़ेगा। राइट, राइट. बिल्कुल वेरी वेल, आपने बहुत ही अच्छे से डीपली इसको चीज को एक्सप्लेन किया. जो क्वेश्चंस थे हमारे जी काफी अच्छा रहा. आई गेस देर इज गणेश, उनको आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं. हाँ मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ अपने स्क्रीन में, अगर वहां पे क्वेश्चन है ओके, तो आप ऑफिशियल होशी करके एक है, वो कह रहे हैं कि आपने काफी अच्छा कार्य किया है. एंड जी देन गणेश बोल रहे हैं काफी अच्छा है, बहुत सुंदर आपने काम किया है. जी गणेश जी को और जो हो और भी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी स्क्रीन में कुछ कमेंट्स देख नहीं पा रहा हूँ तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सभी का धन्यवाद और सभी को नमस्कार जो हमें देख रहे हैं और आगे भी ओके देखते रहेंगे। शेफ, ये वीडियो हम शेयर करेंगे राइट, सो हु इज नॉट इन द ऑनलाइन दे कैन वॉच आफ्टर द वर्क। राइट. सो इट वाज रियली लवली डिस्कसिंग अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री. एंड आपने बहुत डीपली, बहुत अच्छे से उस चीज को एक्सप्लेन भी किया है. सो ऑल द पीपल, यू कैन वॉच द वीडियो ऑन द चैनल. And we'll publish the article. Whatever the chef has explained, we'll publish the article on Ref Today's website, www.reftoday.com. And we'll publish this video on Instagram Live. So just So stay tuned I hope next enjoy session. every viewer of Ref Today and my friends enjoy the video. So send us comments and like and share. Thank you so much for the entire of Ref Today team. ओके शेफ सर, इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग विद यू शेफ. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला आपसे. एंड होप फॉर अगर नेक्स्ट सेशंस के लिए, वी लुक फॉरवर्ड टू इट. थैंक यू सो मच ओके शेफ, बाय थैंक यू सो मच, बाय बाय. बाय।